एक एडजेक्टिव है वाइड आइट, इसको हम इस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हमें बोलना होता है किसी डर की वजह से या फिर किसी आश्चर्य की वजह से आंखें खुली की खुली रह जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि वो वाइड आइड है। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स के बारे में बात करूं, व्हेन आई आंसर्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस एवरीबॉडी वाज वाइड आइड, मतलब जब मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। व्हेन आई आंसर्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस एवरीबॉडी वाज वाइड आइड। एक और एग्जांपल है हिज वाइड आइड इन एस्टोनिशमेंट, मतलब किसी आश्चर्य की वजह से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। हिज वाइड आइड इन एस्टोनिशमेंट। हमारा अगला वर्ड है ग्रिन, इट मीन्स टू स्माइल ब्रॉडली, मतलब खुलकर मुस्कुराना। गाइज मैं आपको बता देता हूँ, खुलकर मुस्कुराना अलग चीज़ है और खुलकर हंसना अलग चीज़ है, लेकिन इस वर्ड को हम उस सेंस में यूज़ करेंगे जब हमें बोलना होगा कि खुलकर मुस्कुराना मतलब खुलकर स्माइल करना। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे दे केम आउट ऑफ द क्लास रूम विद अ बिग ग्रिन ऑन देयर फेसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अपने चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लेते हुए वे कक्षा से बाहर आए। दे केम आउट ऑफ द क्लास रूम विद अ बिग ग्रिन ऑन देयर फेसेस। एक और एग्जाम्पल है वाइल होल्डिंग द बेबी शी वॉज ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा खुश होना। तो इस पूरी लाइन का मतलब होगा कि बच्चे को पकड़े हुए वो स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा खुश थी। वाइल होल्डिंग द बेबी शी वॉज ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। हमारी नेक्स्ट एक ईडियम है स्पीक हाईली ऑफ, इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की या फिर किसी पर्सन की तारीफ़ करनी होती है या फिर किसी के बारे में जब हम अच्छा बोलते हैं तो उस टाइम पर इस इडियम को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है एवरीबडी स्पीक्स हाईली ऑफ दिस मूवी बट इट्स नॉट वर्थ सीइंग। इसका मतलब ये होगा कि हर कोई इस मूवी की तारीफ़ करता है या फिर हर कोई इस मूवी के बारे में अच्छा बोलता है लेकिन ये देखने लायक नहीं है। एवरीबडी स्पीक्स हाईली ऑफ दिस मूवी बट इट्स नॉट वर्थ सीइंग। एक और एग्जाम्पल है शी ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ यू व्हाट्स द मैटर, मतलब वो हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलती है या फिर वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है, क्या बात है। शी ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ यू व्हाट्स द मैटर। इसी के ऑपोजिट एक ईडियम है स्पीक इल ऑफ समबडी या फिर स्पीक इल ऑफ समथिंग। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जब हमें किसी की बुराई करनी होती है या फिर किसी के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में कुछ बुरा कहना होता है तो उस टाइम पर इस इडियम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है ही स्पीक्स इल ऑफ़ यू बिहाइंड योर बैक, मतलब वो तुम्हारे बारे में तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है। ही स्पीक्स इल ऑफ़ यू बिहाइंड योर बैक। एक और एग्जाम्पल है आई नेवर स्पीक्स इल ऑफ़ एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मैं अपने दोस्तों में से किसी के बारे में भी बुरा नहीं कहता हूँ कभी भी, या फिर मैं अपने दोस्तों में से किसी के बारे में कभी गलत नहीं कहता हूँ। आई नेवर स्पीक इल ऑफ एनी ऑफ माई फ्रेंड्स। हमारा अगला वर्ड है लल, इसका मतलब होता है किसी पर्सन को शांत करना या फिर कुछ कम कर देना। जैसे एग्जाम्पल है हाउ कैन आई लल योर फियर ऑफ डार्कनेस, मतलब तुम्हारे अंधेरे के डर को मैं कैसे कम कर सकता हूँ या फिर कैसे शांत कर सकता हूँ। हाउ कैन आई लर्न योर फियर ऑफ डार्कनेस। एक और एग्जाम्पल है प्लीज़ क्रॉस द रोड ड्यूरिंग अ लल इन द ट्रैफिक। इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में, इसका मतलब होगा कृपया जब ट्रैफिक कम हो जाएगा या फिर जब ट्रैफिक शांत हो जाएगा उस दौरान रोड को पार करो। प्लीज़ क्रॉस द रोड ड्यूरिंग अ लल इन द ट्रैफिक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डम फाउंडेड, इसका मतलब होता है भौंचक्का रह जाना या फिर हक्का बक्का रह जाना या फिर आप बोल सकते हैं आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं आई वॉज डम फाउंडेड बाय हिज डेथ न्यूज़, मतलब उसकी मौत की खबर सुन के मैं आश्चर्यचकित हो गया था या फिर हक्का बक्का रह गया था। आई वॉज डम फाउंडेड बाय हिज डेथ न्यूज़। एक और एग्जाम्पल है The audience was dumbfounded when a singer walked on the stage and left without singing a word. मतलब ऑडियंस भौचक्की रह गई थी या फिर हक्का बक्का रह गई थी जब एक सिंगर स्टेज पर आया और बिना कुछ गाए हुए चला गया। The audience was dumbfounded when a singer walked on the stage and left without singing a word. अगला हमारा वर्ड है हॉप,
इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जैसे एक टांग से कूदना या फिर एक टांग के बल कूदना, एक टांग के बल छलांग लगाना। जैसे एग्जांपल है, कैन यू हॉप ऑन योर लेफ्ट लेग, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो क्या आप अपने उल्टे पैर पर खड़े होकर कूद सकते हो या फिर छलांग लगा सकते हो। कैन यू हॉप ऑन योर लेफ्ट लेग। एक और एग्जांपल है, आई हॉप्ड ऑन द बस। जैसे आपने एक सिचुएशन देखी होगी जैसे बस के दरवाजे पर हम एक टांग पर कूदते हैं, तो उस सिचुएशन में ये बोल रहा है कि मैं एक टांग पर बस के अंदर चढ़ा या फिर बस पर कूदा, आई हॉप्ड ऑन द बस। नेक्स्ट वन इज़ यूज टू, इट मीन्स अकस्टम टू। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आदि हो जाना या फिर किसी पर्सन का आदि हो जाना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ की या फिर किसी पर्सन की लत लग जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मुझे सुबह जल्दी उठने की लत लग गई है या फिर मैं सुबह जल्दी उठने का आदि हो गया हूँ। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक और एग्ज़ाम्पल है, आई एम क्वाइट यूज टू राइडिंग इन क्राउडेड प्लेसेस, मतलब मुझे भीड़ भाड़ वाली जगहों में बाइक चलाने की काफ़ी आदत है। आई एम क्वाइट यूज टू राइडिंग इन क्राउडेड प्लेसेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फुल्ली पैक्ड, इट मीन्स कम्प्लीटली फुल। जैसे मतलब कोई चीज़ है वो पूरी तरह से भरा हुआ है या फिर कोई पर्सन है वो खचाखच भरा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि वो फुल्ली पैक्ड है। जैसे एग्जाम्पल है, द बस आई बोर्डेड टू डेली वॉज फुल्ली पैक्ड विद पैसेंजर्स, मतलब जो बस मैंने दिल्ली के लिए पकड़ी थी वो पैसेंजर्स से भरी हुई थी या फिर पैसेंजर्स से खचाखच भरी हुई थी। द बस आई बोर्डेड टू डेली वॉज फुल्ली पैक्ड विद पैसेंजर्स। एक और एग्जाम्पल है, भास्कर इज़ फुल्ली पैक्ड विद यूजफुल इंफॉर्मेशन, मतलब भास्कर जरूरी जानकारी से खचाखच भरा हुआ है या फिर पूरी तरह से भरा हुआ है। भास्कर इज़ फुल्ली पैक्ड विद यूजफुल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फडी डडी, इट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ ओल्ड फैशन आइडियाज़ और ओल्ड फैशन ओपिनियंस, मतलब एक ऐसा पर्सन जो पुराने ढंग का है या फिर पुराने तौर तरीके का है, पुराने फैशन का है, तो हम उसे बोल सकते हैं वो फडी डडी है। जैसे एग्जाम्पल है, दिस ड्रेस मेक्स यू लुक लाइक अ फडी डडी, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ड्रेस तुमने पहनी हुई है ये तुम्हें एक ऐसा इंसान दिखा रही है जो कि पुराने तौर तरीके का है या फिर पुराने फैशन का है। दिस ड्रेस मेक्स यू लुक लाइक अ फडी डडी। एक और एग्जांपल है, कीप योर फडी डडी आइडियाज़ योरसेल्फ, मतलब अपने पुराने ढंग के आइडियाज़, अपने पुराने तौर तरीके वाले विचार अपने पास रखो। कीप योर फडी डडी आइडियाज़ योरसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड इज़ हैसल, इट मीन्स परेशानी या फिर मुसीबत। जैसे एग्जांपल है, इट्स सच अ हैसल टू राइड बाइक ओवर बम्पी रोड्स, मतलब ऊबड़ खाबड़ वाली रोड पर बाइक चलाना एक सच में परेशानी है या फिर मुसीबत है। इट्स सच अ हैसल टू राइड बाइक ओवर बम्पी रोड्स। एक और एग्जांपल है, इट्स सच अ हैसल टू ट्रैवल विद सो मैनी बैग्स, मतलब बहुत सारे बैगों के साथ ट्रैवल करना या फिर बहुत सारे बैगों के साथ यात्रा करना सच में एक मुसीबत है। इट्स सच अ हैसल टू ट्रैवल विद सो मैनी बैग्स। और नेक्स्ट वर्ड इज़ अनसर्टेनिटी, मतलब किसी चीज़ में अनिश्चितता, मतलब किसी चीज़ को लेकर डावाडोलपन। जैसे एग्जांपल है, देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी अबाउट कंपनीज फ्यूचर, मतलब कंपनी के फ्यूचर को लेकर एक डावाडोलपन है या फिर अनिश्चितता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि फ्यूचर में कंपनी कैसे स्टैंड करेगी। देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी अबाउट कंपनीज फ्यूचर। एक और एग्जांपल है, रोजी हैज सम अनसर्टेनिटी अबाउट रिलेशनशिप विद टोनी, मतलब रोजी का जो टोनी के साथ रिश्ता है उसको लेकर कुछ अनिश्चितताएं हैं या फिर कुछ डामाडोलपन है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता उनका जो रिश्ता है वो अच्छे से सक्सीड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। रोजी हैज सम अनसर्टेनिटी अबाउट रिलेशनशिप विद टोनी। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन, इट मीन्स किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी को नीचे दबाना। इसको हम एक दूसरे सेंस में भी यूज़ करते हैं, कोई चीज़ आपने पकड़ रखी है उसे नीचे रखना। जैसे एग्जांपल है, वी शुड नेवर पुट समवन डाउन, मतलब हमें किसी को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। वी शुड नेवर पुट समवन डाउन। एक और एग्जांपल है, पुट योर हैवी बैग डाउन फॉर अ वाइल, मतलब थोड़ी देर के लिए अपने भारी से बैग को नीचे रख दो।
पुट योर हैवी बैग डाउन फॉर अ वाइल। अगला हमारा वर्ड है टाई। इट मीन्स फासन द थिंग्स टुगेदर, मतलब चीज़ों को आपस में बांधना या फिर किसी चीज़ को बांधना। जैसे एग्जांपल है, शी टाइज अ हेयर इन अ बन, मतलब वो अपने बालों को एक जूड़े में बांधती है। शी टाइज अ हेयर इन अ बन। एक और एग्जांपल है, टाई राखी ऑन हिज रिस्ट, मतलब उसकी कलाई पर राखी बांध दो। टाई राखी ऑन हिज रिस्ट। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है फ्लाई आउट, मतलब बाय प्लेन किसी जगह को छोड़कर चले जाना। मतलब आप बोल सकते हैं कि प्लेन के द्वारा एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाना। जैसे एग्जांपल है, आई वांट टू फ्लाई आउट टू लंदन वंस, मतलब एक बार मैं प्लेन के द्वारा लंदन जाना चाहता हूँ। मतलब जहाँ पर मैं रह रहा हूँ उस जगह को छोड़कर एक बार मैं लंदन जाना चाहता हूँ प्लेन के द्वारा। इस लाइन का मतलब ये होगा, आई वॉन्ट टू फ्लाई आउट टू लंडन वंस। एक और एग्जाम्पल है, शी फ्लू आउट टू कैनेडा लास्ट मंथ, मतलब प्लेन के द्वारा पिछले महीने वो इस जगह को छोड़कर कैनेडा चली गई। शी फ्लू आउट टू कैनेडा लास्ट मंथ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइज आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वन इज लल एंड सेकेंड वन इज ग्रिन। इन दोनों वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उन पर वीडियोस बनाकर